press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेसी कैंपस। और आज हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट आर्गुमेंट। स्टेटमेंट आर्गुमेंट में आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी और उसके साथ में आपके पास आर्गुमेंट गिवन होंगे। आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है और जो आर्गुमेंट गिवन है वो आर्गुमेंट उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट गिवन होगा उसमें दो आर्गुमेंट होंगे। स्टेटमेंट एज अ क्वेश्चन हो सकता है, उसका आंसर आपका यस और नो आर्गुमेंट में हो सकता है। ठीक है, आर्गुमेंट में कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोबारा से। अगर आर्गुमेंट में कोई क्वेश्चन दोबारा से आता दैट मींस वो आर्गुमेंट वीक हो जाएगा आपका। ठीक, तो क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिर हम आंसर्स देखेंगे कैसे निकालने। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है, स्टेटमेंट जो गिवन है हमारे पास फर्स्ट में, शुड देयर बी अ फ्री फोन सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस। ऐसे चिल्ड्रन जो स्ट्रेस में हैं उनको फ्री फोन सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, ये स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, साथ में हमारे पास अब आर्गुमेंट गिवन है। फर्स्ट आर्गुमेंट है यस चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। हाँ बिल्कुल, कि चाइल्ड जो होता है वो आगे फ्यूचर में जाके फिर से वो मैन बनेगा, तो उसको मतलब अभी से स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए उसे, इस तरह से बोला गया है। लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं है, क्वेश्चन जो हमारे पास स्टेटमेंट था वो केवल ये था कि जो चिल्ड्रन स्ट्रेस में है उनको फोन प्रोवाइड करवाना चाहिए फ्री फोन सर्विसेज की नहीं करवाना चाहिए बस। बट फर्स्ट वाला जो हमारे पास आर्गुमेंट है वो कहीं भी रिलेटेड नहीं है स्टेटमेंट से, दैट मीन्स फर्स्ट वन वीक आर्गुमेंट। ठीक है, सेकंड एंड नो दिस विल बी मिसयूज्ड बाय चिल्ड्रन। सेकंड वाला भी आर्गुमेंट जो गिवन है उसमें लिखा हुआ है नो देयर विल बी मिसयूज्ड बाय चिल्ड्रन, मतलब जो फोन सर्विसेज हैं वो मिसयूज्ड होंगे चिल्ड्रन द्वारा, इसमें भी हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है। उसने केवल ये पूछा है कि आप चिल्ड्रन को जो स्ट्रेस में उन्हें फोन सर्विसेज प्रोवाइड करवानी चाहिए, अगर करवानी चाहिए तो क्यों और नहीं करवानी चाहिए तो क्यों नहीं। ठीक है, तो मिसयूज जरूरी नहीं है कि हर चिल्ड्रन मिसयूज ही करेगा उसका। ठीक, तो दोनों के दोनों जो आर्गुमेंट होंगे हमारे वो वीक आर्गुमेंट हो जाएंगे। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट गिवन है शुड सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास मतलब वो गवर्नमेंट का जो भी वर्क होता है उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सकते हैं, मतलब करना चाहते तो उन्हें अलाउड होना चाहिए या अलाउ नहीं होना चाहिए, ये स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास। तो फर्स्ट आर्गुमेंट गिवन है यस मोर देन 20 कंट्रीज हैव इक्विप्ड देयर सिटीजन्स विद द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। वो फर्स्ट वाला कह रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए क्योंकि और अदर कंट्रीज में 20 कंट्रीज में मोर देन 20 कंट्रीज में ऐसा प्रोसेस हो रहा है, तो हम दूसरी कंट्रीज से रिलेटेड नहीं कर सकते हैं कि उस कंट्रीज में हो रहा है तो सेम एज हमारी कंट्रीज में भी होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वीक, आपका वीक आर्गुमेंट हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास यस द मूव वुड प्रोवाइड ओपननेस इन गवर्नमेंट फंक्शंस एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इट। सेकेंड वाला है कि हाँ ऐसा होना चाहिए जिससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट के वर्क है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो बिल्कुल राइट है अगर हम एक्सेस कर पाएंगे गवर्नमेंट के पूरे डेटा को या हम ये देख पाएंगे गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है तो गवर्नमेंट क्या होगी सही से काम करेगी। ठीक है, तो सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, तो सेकंड वन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेटमेंट गिवन है शुड टीचिंग ऑफ संस्कृत बी मेड कंपल्सरी एट स्कूल लेवल इन इंडिया। स्टेटमेंट गिवन है कि इंडिया में सारे के सारे स्कूल लेवल पे संस्कृत पढ़ाने जाना कंपलसरी होना चाहिए। ठीक, आर्गुमेंट गिवन है फर्स्ट नो वेयर आर द ट्रेन टीचर टू टीच दिस लैंग्वेज। फर्स्ट आर्गुमेंट है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा ट्रेन टीचर है ही नहीं, तो ऐसा नहीं कह सकते हम क्योंकि क्वेश्चन हमें केवल ये पूछा है कि हमें पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, टीचर है या नहीं इससे रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं है, दैट मीन्स फर्स्ट आर्गुमेंट इज वीक। सेकेंड आया हमारे पास यस We should be proud of our ancient language. हाँ बिल्कुल पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो हमारी ancient language है, इस वजह से सबको पता होना चाहिए कि संस्कृत, मतलब संस्कृत के बारे में पता होना चाहिए सबको, इसलिए हमें उसे पढ़ाना चाहिए, तो सेकेंड वन क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, स्टेटमेंट गिवन है शुड ऑल एजुकेशन बी मेड फ्री फॉर गर्ल्स एंड वुमेन फॉर ऑल एजेस इन इंडिया। इंडिया में जो भी गर्ल्स और वुमेन्स के लिए सारे के सारे एज ग्रुप के गर्ल्स और वुमेन्स के लिए एजुकेशन फ्री कर देनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आर्गुमेंट फर्स्ट है नो
दिस विल वीकन अवर प्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा प्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर को वीक कर देगा. तो फर्स्ट वन वीक है क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप वुमेन्स को फ्री में एजुकेशन दोगे तो वीक हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट वन. ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर वीक नहीं हो सकता उससे. सेकेंड है यस दिस इज द ओनली वे टू ब्रिंग बैक ग्लोरी इन इंडिया वुमेनहुड. सेकेंड होना हाँ ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये केवल एकमात्र तरीका है. तो जो ओनली वर्ड है वो इसको वीक कर रहा है क्योंकि जरूरी नहीं है कि केवल इसी तरीके से आप वुमेन्स को वुमेन्स को बढ़ावा दे सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा ओनली वर्ड जो यहाँ पे इसमें है आपके पास आर्ग्यूमेंट में, ये उसे वीक कर रहा है. तो हमारा ओनली जो होगा, ओनली की वजह से आर्ग्यूमेंट वीक है, इसका मतलब सेकेंड वन वाला भी आपको क्या हो जाएगा, वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा. ठीक है, तो आपको इस तरह से स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, स्टेटमेंट से चेक करना है कि आर्ग्यूमेंट वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स दे सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच.